जेके रियल न्यूज में आपका स्वागत है। 8 अप्रैल 2024 पेश है आज की खास खास खबरें। मुगल शाहरा पर आज से यकतरफा ट्रैफिक बहाल। पुलिस कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए पुरअज़म है IGP। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हरजा सराय ने हमें अपने उम्मीदवार खड़ा करने पर मजबूर किया, महबूबा मुफ्ती। जिला तरक्याती कमिश्नर पहुंच यासिन एम चौधरी ने मुगल शाहरा पर आज से यकतरफा ट्रैफिक बहाल करने के अहकाम सादर किए हैं। एक हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे में SSP पहुंच, DM सुरनकोट और डिप्टी SP ट्रैफिक रजौरी पहुंच से कहा गया है कि वो बहराम गला बिफलियाज और पोशाना में चेक पॉइंट्स कायम कर नफरी तैनात करके ट्रैफिक की नकलो हरकत को आसान बनाए। बता दें कि मुगल शाहरा से बर्फ हटाने के बाद इस वर्ष ट्रैफिक आमद और रफत के लिए पहली बार खोला जा रहा है। पुलिस कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए पुरअज़म है IGP। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP वदी कुमार भर्दी ने एतवार को कहा है कि वादी कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस इंतजामिया कश्मीर सूबे में लोकसभा इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए पुरअज़म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हरजा सराय ने हमें अपने उम्मीदवार खड़ा करने पर मजबूर किया, महबूबा मुफ्ती। लोकसभा इंतखाबात से कबल जम्मू में खवातीन SOG तैनात। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की जबान बोल रही है, वजीर आजम मोदी। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगी। AGP स्वाइन का रूप दहार कर लोगों को धोखा देने वाले जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस।